गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्थी। सो वेलकम बैक टू योर EBS क्लास स्टूडेंट। टुडे डेट इज 16 अगस्त 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 7 नेम ऑफ द चैप्टर टाइप्स ऑफ हाउसेस। सो नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ हाउसेस। लेट डू लिटिल रिकैप्चुलेशन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। So student, in the previous video we discuss why the house is very important for us. So why the house is very important for us, why we need a house. So the question is why we need a house, we need a house to live, and how house is very essential for us. So reason is the house save us from the extreme climate, that is hot, cold and rain. So and it also save us from the wild animals, thieves and robbers. So these things we have already discussed in the previous video. So now student, like when we are talking about the basic need of the basic need, then we say all human beings need food, because without food we cannot live. We need clothes also and we need house also. So these are the basic requirement, you can say, or you can say these are the basic needs of the human beings. So in the same manner student, the nature has given, when you see animals, so even animals have been provided certain provision by nature. So student, what does it mean? It means that human beings, we are intelligent, so we have made our shelter in the form of a house. हम human beings हैं जो बहुत ही intelligent हैं, तो हमने अपने लिए एक important shelter बनाना सीख लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, house बोलते हैं। जिसको हमने क्या बोला बेटा, उसको हम लोगों ने बोला house बोला, ठीक है। इन द सेम मैनर नेचर ने एनिमल्स को भी सर्टन प्रोविजंस दिए हैं, सो दैट दे आर आल्सो सेफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू विल सी द स्ट्रिप्स, आप फॉर एग्जांपल अगर आप टाइगर को देखोगे, ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल Tiger and Jabra have strips, strips, ठीक है। तो आप देखोगे टाइगर और जैबरा जो एनिमल हैं, दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स, और इनके आप जो इनकी स्किन पे देखोगे स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है। So what is the reason?
जिससे कि ये क्या है, जिस सराउंडिंग्स में ये रहते हैं, ठीक है, तो इनकी बॉडी पे जो जो स्ट्रिप्स हैं, जो उनके स्किन पे कलर है, वो उन सराउंडिंग से क्या करते हैं, मैच कर सकते हैं, जिससे कि ये दूसरे जानवरों से अपने आप को सेव भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, और दिस हेल्प देम टू, और ये जो स्ट्रिप्स होते हैं ये क्या है, इसकी वजह से ये दूसरे एनिमल्स की नज़र में नहीं आते हैं, और ये इजिली अपना दूसरे एनिमल्स का शिकार भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अगर फॉरेस्ट में जाओगे तो फॉरेस्ट में बहुत बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में बहुत बड़ी बड़ी ग्रास होती हैं, तो टाइगर क्या है, ये कार्निवोरस एनिमल है, इट किल द हार्वीवोरस एनिमल्स। सो जब इस तरह के आपने कभी भी डिस्कवरी चैनल या एनिमल चैनल में देखा होगा, जब भी दिखाया होगा कि हाउ द हंटिंग कैसे करते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, तो जो ये इनके बॉडी के पे जो ये स्ट्रिप्स होती है ये सराउंडिंग से मैच हो जाती है, जो बड़ी बड़ी ग्रास होती है ना, तो उसके पीछे ये बेटा छुप जाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि जब ये डेंजरस कार्निवोरस एनिमल्स जहाँ पे होते हैं, तो जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स कहाँ होते हैं बेटा, पेड़ों पे होते हैं, ठीक है, बर्ड्स क्या बहुत जोर जोर से आवाज़ करने लगते हैं, सो व्हाट इज़ द पर्पस, पर्पस क्या होता है, दे वार्न द अदर एनिमल्स, वो आवाज़ निकाल के दूसरे एनिमल्स को वार्न कर देते हैं कि यहाँ पे खतरा है, इट इज़ डेंजरस, सो उनकी आवाज़ें सुन के भी क्या होता है, हार्वीवोरस एनिमल्स वहाँ से एस्केप कर जाते हैं, चले जाते हैं, उनको ये लगने लगता है कि जरूर कोई कार्निवोरस एनिमल है, दैट इज द रीज़न ऑल द बर्ड्स मेकिंग सो मच साउंड, तो इससे भी वो क्या है, जो बर्ड्स हैं वो हार्वीवोरस एनिमल्स को क्या वार्न कर देते हैं कि देर इज सम डेंजर, सो एस्केप फ्रॉम दिस प्लेस, ओके, तो भाई ये तो कार्निवोरस एनिमल है, फ्लैश मीटिंग एनिमल्स है, इसको तो दूसरे एनिमल्स को किल करके खाना है, तो अगर इसकी इसीलिए इसके बॉडी पे ऐसे स्ट्रिप्स हैं जो कि उस सराउंडिंग से बिल्कुल मैच हो जाता है, और ये हार्वीवोरस एनिमल्स की नज़र में नहीं आते, ठीक है, इन द सेम मैनर जेब्रा का भी ऐसे है, उसकी बॉडी पे भी स्ट्रिप्स हैं, और देखो बहुत से एनिमल्स जैसे पोलर बियर दिया है, ठीक है, पोलर बियर का एग्जांपल दिया है, पोलर जैसे पोलर बियर्स हैव थिक फर, ठीक है, इनके बहुत थिक फर होते हैं, बिकॉज दे आर इन द कोल्ड रीजन, जिस रीजन में ये लोग रहते हैं बेटा, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अब ये एनिमल्स हैं इनके पास हमारी तरह क्लोज तो है नहीं ठंड से बचने के लिए, तो डैट इज़ द रीज़न इनके बॉडी पे फर ही जो है इनको वार्म रखते हैं, इनकी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स तो इंटेलिजेंट है, उन्होंने अपनी लाइफ को कम्फर्टेबल करने के लिए बहुत चीज़ें बना दी हैं, लेकिन एनिमल्स क्या हैं, दे आर नॉट सो इंटेलिजेंट, सो इसलिए नेचर ने एनिमल्स के बॉडी में भी ऐसी चीज़ें दी हैं एंड कि वो भी अपने को प्रोटेक्ट कर सकें, जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैदर्स होते हैं, एक फैदर वो होता है जो उसकी पूरी बॉडी को, स्मॉल स्मॉल फैदर जिसको हम लोग कहेंगे डाउन फैदर, वो बर्ड की पूरी बॉडी को कवर रखता है, जिससे कि बर्ड क्या रहता है, बर्ड की बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है, ठीक है, सो डैट इज़ द रीज़न आप देखोगे जो कोल्ड रीजन में एनिमल्स होते हैं उनके बहुत बहुत बड़े बड़े फर या हेयर्स उनके बॉडी पे देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जहाँ ठंड होगी तो एनिमल्स हमारी तरह तो नहीं कपड़े वेयर कर सकते, तो दीज फर सेव देम फ्रॉम द कोल्ड वेदर, ये फर जो होते हैं उनके बॉडी में, फिर ये फर ही उनको कोल्ड वेदर में क्या करते हैं, सेव करते हैं उनके बॉडी को, इनके इसकी वजह से उनकी बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है, ठीक है, अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब हम लोग कंडीशन डिस्कस करेंगे, बिल्डिंग ए हाउस मेनली डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, ओके, नाउ बिल्डिंग ए हाउस,
depends on building a house depends on three factors. ठीक है, when we build a house, जब बेटा हम वो हाउस बनाते हैं तो थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये डिपेंड होता है. फर्स्ट क्या होता है, वेदर कंडीशंस इन द एरिया. ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, बिल्डिंग हाउस डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर, वेदर कंडीशन इन द एरिया. ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जो भी हम लोग हाउसेस बनाते हैं बेटा, ये डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में रह रहे हैं. वेदर दैट एरिया इज वेरी हॉट एरिया और कोल्ड एरिया और दैट लॉट ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया. सो देखो, जैसे इस समय हम लोग वाराणसी किस में आता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, तो या इसे हॉट एरियाज बोला जाता है. भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है कि यहाँ रेन नहीं होती, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है इस एरिया का, तो हम हॉट बोलते हैं. क्यों? कि यहाँ मैक्सिमम गर्मी ज़्यादा पड़ती है. ठीक है, यहाँ जैसे कोल्ड रीजन होता है, जो हिल स्टेशन होते हैं, हम उनको बोलते हैं हिल स्टेशन, मतलब कोल्ड एरियाज हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिल स्टेशन प्लेसेस पे गर्मी नहीं होती, वहाँ भी गर्मी होती है, लेकिन वहाँ मैक्सिमम टाइम जो वेदर है वो क्या रहता है, कोल्ड रहता है. इसी तरह अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करो, तो यहाँ मैक्सिमम चाहे सबसे ज़्यादा जो वेदर रहता है वो क्या रहता है, हॉट है. यहाँ का मैक्सिमम जो वेदर है, क्लाइमेट जो है वो हॉट है, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है. इज इट क्लियर? सो वेदर कंडीशंस इन द एरिया हाउस, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि जिस एरिया में आप हाउस बना रहे हो वहाँ की वेदर कंडीशन क्या है. या तो वो बहुत हॉट है, या तो यहाँ वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, या तो वो वहाँ पे बहुत बारिश होती है, स्नोफॉल भी होती है. सो ऑल दीज कंडीशंस. ठीक है, तो वेदर कंडीशन इन द एरिया, तो वेदर कंडीशन पे जो जिस टाइप का हम लोग हाउसेस बनाते हैं जिस एरिया पे, सो इट टोटली डिपेंड अपॉन द वेदर कंडीशन. अभी जब हम लोग बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ेंगे ना, तब हम लोग अलग अलग डिफरेंस पढ़ेंगे. कुछ हाउसेस होते हैं जिनके रूफ छतें क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं. कुछ हाउसेस आपको स्लैंट मिलेंगे, कुछ हाउसेस आपको कुछ प्लेसेस पे हाउसेस जो आपको मिलेंगे वो स्टिल्ट हाउसेस मिलेंगे. ठीक है, STILTS. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ, ये जो कहीं पे आपको फ्लैट मिलेंगे, कहीं आपको स्लैंट मिलेंगे, कहीं स्टिल्ट्स मिलेंगे. सो ये डिफरेंट टाइप के जो हाउसेस मिल रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वेदर है वहाँ, विच टाइप ऑफ वेदर इज देयर. ठीक है, फ्लैट हाउसेस मैक्सिमम आपको जहाँ हॉट एरियाज होंगे वहाँ हाउसेस फ्लैट मिलते हैं. ठीक है, स्लैंट हाउसेस जहाँ बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे हाउसेस आपको क्या मिलेंगे, स्लैंट मिलेंगे. ठीक है, ये अभी मैं जब पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ हाउसेस, तब मैं आपको एक एक मीनिंग बताऊँगा. फ्लैट भी बना के दिखाऊँगा, स्लैंट एंड स्टिल्ट हाउसेस जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एक्सेस में बारिश होती है, और एवरी ईयर देयर इज़ ए फ्लड. ऐसे एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हर साल फ्लड्स आती है, तो वहाँ के लोगों को पता ही है. ऐसा नहीं है कि एक साल फ्लड आई, कभी फ्लड आई थी, चार साल बाद, दस साल बाद, ऐसा नहीं. कुछ एरिया ऐसे हैं इंडिया के जहाँ एवरी ईयर इन द रेनी सीजन फ्लड्स आती आती है. तो वहाँ के लोग कैसे हाउसेस बनाते हैं, स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं. तो इसका पहला पॉइंट है, बिल्डिंग ए हाउस डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर. फर्स्ट इज वेदर कंडीशन इन द एरिया. तो जिस तरह का वेदर कंडीशन होगा, डेट टाइप ऑफ ए हाउस वी कंस्ट्रक्ट, उसी तरह का हाउस हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, उसी तरह का हाउस हम लोग बनाते हैं, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कराते हैं. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशन. नेक्स्ट पॉइंट इज material available.
ठीक है। और सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मटेरियल अवेलेबल। सो जहाँ पे आप हाउस बना रहे हो, द एरिया इन विच यू आर मेकिंग द हाउस, सो हाउस ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल अवेलेबल है वहाँ हाउस बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई मैक्सिमम इतनी पब्लिक है, सारे लोग तो बहुत अमीर रिच नहीं ना है, ठीक है। तो हम मटेरियल जो होता है, जिस मटेरियल से हाउस को बना रहे हैं, तब वी आर मेकिंग द हाउस विच, सो व्हाट टाइप ऑफ ए मटेरियल इज अवेलेबल इन दैट एरिया, जहाँ पे हम हाउस बना रहे हैं, तो उस एरिया में किस तरह का मटेरियल अवेलेबल है क्या बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए। तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, मटीरियल अवेलेबल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स क्या हुआ बेटा, हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड टू मेक ए हाउस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इकोनॉमिक कंडीशन। अब हम वैसा ही हाउस बनाते हैं जितनी हमारे पास मनी हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउट ऑफ दिस थ्री फैक्टर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इकोनॉमिक कंडीशन। बहुत लोगों क्या है कि अब हाउ मच मनी, इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड, ठीक है। हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड टू मेक द हाउस, आप कितनी मनी स्पेंड कर सकते हो हाउस बनाने के लिए, तो इसका मतलब होता है बेटा इकोनॉमिक कंडीशंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स कंडीशन, ठीक है। कि कितनी मनी हम लोग स्पेंड कर सकते हैं, कितनी मनी हमारे पास है, अगर हमारे पास जितना पैसा होगा तो उतने पैसे में हम हाउस बनाएंगे, इज इट क्लियर। सो हाउ मच मनी वी कैन स्पेंड, दिस इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो वन टाइम आई डू द रिकैप्चुलेशन, बिल्डिंग ए हाउस डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट इज द वेदर कंडीशन इन द एरिया, इट मीन्स वेदर इन दैट एरिया, विच टाइप ऑफ वेदर इज, वेदर दैट एरिया इज वेरी हॉट और वेरी कोल्ड और लॉट ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया, सो इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ए मटीरियल इज अवेलेबल इन दैट एरिया इन विच यू आर मेकिंग ए हाउस, दिस इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट वन। थर्ड इज द इकोनॉमिक कंडीशन, इट मीन्स हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड टू मेक अ हाउस, आप कितनी मनी स्पेंड कर सकते हो हाउस बनाने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स। नाउ आफ्टर दिस, नाउ वन बाई वन वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए हाउसेस। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद हाउसेज इन ओल्ड रीजन, हाउसेज इन ओल्ड रीजन, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है। हाउसेज इन ओल्ड रीजन मीन्स ओल्ड रीजन ऐसे भी हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एरिया ऑफ द विच आर वेरी कोल्ड। वेरी कोल्ड मीन्स ऑल द टाइम्स यू विल सी स्नो, ठीक है। यहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी है कि लैंड किससे कवर है, स्नो से। जैसे आप लोग अभी फर्दर चैप्टर में भी आप लोगों को माउंटेन्स वाले चैप्टर पढ़ाऊँगा, 12th चैप्टर ग्रेट माउंटेन्स ऑफ इंडिया, तब जो आपके सबसे बड़े हिमालयाज हैं, जो हिमालय रेंज है वो क्या है, हिमालयन रेंज है, वो पूरे हमेशा सालों भर किससे कवर्ड रहती है, वो भी माउंटेन्स है, लेकिन वो आपको देखने में बिल्कुल वाइट लगते हैं। भाई वो वाइट रंग जो होता है वो स्नो है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एंड ऑल द टाइम दे आर कवर्ड विद द स्नो, ठीक है। सो इन द सेम मैनर, ये वो लैंड एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और लैंड इज कवर्ड विद द स्नो फोल ईयर, द लैंड पूरे साल लैंड किससे कवर रहता है, स्नो से कवर रहता है, यहाँ हमेशा बर्फ रहती है, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ ए हाउसेज द पीपल मेड इन द इन दिस टाइप्स ऑफ ए रीजन। नाउ और जी हाउसेज इन कोल्ड रीजन मीन्स आर्कटिक, द कोल्ड रीजन ऑफ द
the cold region, the cold region of the Arctic. Is completely covered with snow throughout the year. ये है द कोल्ड, इसे आप अंडरलाइन भी कर लेना बुक में, अंडरलाइन इट. ओके, अब हाउसेस इन कोल्ड रीजन में कैसे हाउसेस हैं, तो द कोल्ड रीजन ऑफ द आर्कटिक इज कंप्लीटली कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर. पूरे ईयर यहाँ पे कैसे हाउसेस बनते हैं, अरे सॉरी, कैसा वेदर क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, बिल्कुल कोल्ड है और सब कुछ एवरी थिंग इज कवर्ड, इट इज दिस रीजन इज कंप्लीटली कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर. हमेशा यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है, यहाँ हमेशा क्या होता है बेटा, बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है. तो यहाँ पे जो हाउसेस बनाते हैं उस हाउसेस को हम लोग इग्लूज बोलते हैं, ठीक है. एंड दीज आर द हाउसेस विच आर मेड ऑफ द आइस, बर्फ़ के बड़े बड़े स्लैब, बड़े बड़े टुकड़ों से ये हाउसेस बनाए जाते हैं, जिसको इग्लूज हम लोग बोलते हैं, ठीक है. सो क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ़ डली में, आप लोग सोचते होगे कि बर्फ़ का कैसे हाउस होगा, देखो बेटा आप लोग फ्रिज से बर्फ़ निकालते हो, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इफ यू पुट दैट पीस ऑफ ए आइस, देन आफ्टर सम टाइम इफ यू ऑब्जर्व दैट आइस, तो वो पूरी वाटर हो चुकी होती है, क्योंकि वाटर के थ्री फॉर्म्स हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है, उसको हीट करोगे तो वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जब उसको रेफ्रिजरेटर में रख के कूल कर दोगे तो वो एकदम सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम लोग आइस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है. तो लेकिन अब यहाँ पे क्यों हमेशा कवर रहता है स्नो से, इसका मतलब हुआ यहाँ हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है. आई बात समझ में, इसका मतलब यहाँ हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है, इसलिए जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो सारा पानी किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, स्नो फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है. अगर जहाँ इतनी ज़्यादा ठंड हो तो रिवर का जो वाटर है वो भी तो बर्फ़ में ही जम जाएगा, जो रिवर वाटर है बेटा वो भी तो, जब इतना ज़्यादा ठंड होगी तो रिवर वाटर, अगर वहाँ पे जो रिवर से सब होती होंगी वो भी फ्रीज हो जाती होंगी, किस फॉर्म में फ्रीज हो जाती होंगी, स्नो के फॉर्म में फ्रीज हो जाती होंगी. दैट इज़ अ रीज़न बहुत बच्चे अक्सर क्लास में पूछते हैं, सर बर्फ़ को तो जैसे ही बाहर निकालो थोड़ी देर बाद तो वो वाटर हो जाती है, तो इनका हाउस कैसे ये बना लेते हैं, और वो बर्फ़ तो लिक्विड भी नहीं होती है. तो बेटा उसका रीज़न ये है कि वहाँ हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो कोई ऐसे एरिया में अगर कोई रिवर भी होगी, ठीक है, अगर ऐसे एरिया में बेटा कोई रिवर भी होगी तो इतनी कोल्ड टेम्परेचर से वो रिवर का वाटर भी फ्रीज हो जाएगा आइस की तरह, ठीक है, तो रिवर वाटर भी आइस की तरह फ्रीज हो जाएगा. डैट इज द रीजन दे आर मेकिंग द हाउस विद द बिग स्लैब्स ऑफ द आइस, आइस के बड़े बड़े स्लैब से वो लोग हाउस बनाते हैं. दिस टाइप ऑफ ए हाउस इज नोन एज इग्लूज, इस तरह के हाउस को क्या बोलते हैं, इग्लूज बोलते हैं. इज इट क्लियर? और वहाँ टेम्परेचर कोल्ड रहता है, इसलिए जो बड़े बड़े जो स्लैब्स होते हैं बर्फ के, ये मेल्ट नहीं करते, इसलिए जो ये बड़े बड़े स्लैब होते हैं बर्फ़ के बेटा, ये मेल्ट नहीं करते, ठीक है. अगर किसी हॉट वेदर में आप बर्फ़ को रख दो तो कुछ देर बाद, 2-4-5 घंटे बाद आप देखोगे सारा पानी हो जाएगा, क्यों, वो मेल्ट कर जाएगी सन की हीट से. लेकिन जहाँ पे हमेशा टेम्परेचर ही माइनस में है तो वो मेल्ट नहीं कर रही है. डैट इज़ द रीज़न दे आर एबल टू मेक द हाउस विद द हेल्प ऑफ द आइस स्लैब्स, बड़े बड़े टुकड़ों से बना देते हैं वो लोग, ठीक है. एंड दिस हाउसेस आर नोन एज इग्लूज. सो अब यहाँ देखो हमेशा यहाँ देखो, ये आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया, देखो ये एरिया हमेशा क्या है, बर्फ से कवर्ड रहते थे, ठीक है, हमेशा बर्फ से कवर्ड रहते थे. तो ऐसे एरिया में देखो, ऐसे एरिया में आप वुड वाले हाउस भी नहीं बना सकते, ठीक है, वुड वाले हाउस भी नहीं चलेंगे. ऐसे एरिया में आप लोग पक्का हाउस नहीं बना सकते, जैसे पक्का हाउस सीमेंट, सैंड, स्टोन्स,
आयरन रॉड ये सब से बनता है। तो जहाँ लैंड पूरा बर्फ से ही कवर है, लैंड दिख ही नहीं रहा है, तो आप ऐसे एरियाज में पक्का हाउस भी नहीं बना सकते। पक्का हाउस भी टूट जाएगा, बन ही नहीं सकता पक्का हाउस भी। ना पक्का हाउस बनेगा ना कच्चा हाउस बन सकता है। तो अब जो लोग वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि अब भाई देखो, जब जैसा कंडीशंस होता है अकॉर्डिंग टू दैट वी डू द चेंजेस। जैसी कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे एडॉप्टेशन होता है, ठीक है, जब एनिमल्स वही रहते हैं जहाँ उनको प्लेंटी ऑफ फूड खाने को मिले और वो अपने एनिमी से भी प्रोटेक्ट रहें, तो उस ठीक है, तो वही उस एनिमल का हैबिटेट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग राजस्थान की बेटा बात करते हैं, राजस्थान क्या है, बहुत ही हॉट वहाँ का वेदर है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है राजस्थान का। सारे पेड़ नहीं लग सकते, लेकिन कुछ पेड़ हैं जिनको बहुत लेस वाटर की जरूरत होती है, वो पेड़ वहाँ सर्वाइव कर जाते हैं। कैमिल देखो सबसे अच्छा सर्वाइव करता है, वो आराम से रेत पे चल सकता है। कैमिल इज आल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। सुना है ना आपने, क्लास 3-2 में पढ़ा होगा कि कैमिल को शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग उसने क्या है, वहाँ के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे पोलर बियर है, इतने ठंड में रहता है, हाइबरनेशन सुना होगा, मैंने बताया होगा क्लास 3 या 4 में। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो विंटर में लॉन्ग समय के लिए स्लीप पे चले जाते हैं। तो दैट इज द रीजन, उन्होंने उस एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को उस एरिया को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब जो वहाँ लोग रहते थे आर्टिक रीजन में, जहाँ हमेशा लैंड कवर रहता था स्नो से, तो वहाँ पे ना तो वो कच्चा हाउस बना सकते थे ना पक्का हाउस बना सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आप लोग से एक बार डिस्कस की ना कि जो हाउस बनाने के लिए व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल। तो जहाँ पूरी समय बर्फी, सारा जितना एरिया है वो सारा बर्फ से ही कवर है, चारों तरफ दूर दूर जहाँ आप देखोगे सिर्फ आपको स्नो ही देखने के लिए मिलेगी बेटा, तो वहाँ पे अदर मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा। तो अब वहाँ के लोगों ने एक नया आइडिया बनाया कि यहाँ टेम्परेचर इतना लेस रहता है, इसलिए यहाँ तो बर्फ मेल्ट होनी ही नहीं है, यहाँ तो बर्फ मेल्ट होगी ही नहीं क्योंकि टेम्परेचर बहुत लेस है। तो अब उन लोग ने सर्वाइव करने के लिए क्या किया कि आइस के बड़े बड़े टुकड़ों से ही घर बनाना स्टार्ट कर लिए। ठीक है, सो स्लैब्स ऑफ आइस, ठीक है, स्लैब्स ऑफ आइस से उन्होंने क्या बनाए, हाउस। ठीक है, स्लैब ऑफ आइस से उन्होंने क्या बना दिए बेटा, हाउस बना दिए। और ये हाउस, व्हाट वाज द शेप ऑफ दिस हाउस, शेप ऑफ दिस हाउस इज डोम शेप। शेप ऑफ द हाउस, शेप ऑफ द हाउस इज, शेप ऑफ द हाउस इज डोम शेप, डोम शेप। ठीक है, कैसी शेप है, डोम शेप बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड द पीपल देयर आर कॉल्ड, और जो लोग वहां रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एस्किमोस बोलते हैं। ठीक है, सो जो बेटा ये देखो, जो इस तरह की शेप आती है ऐसी सी, इसी को डोम शेप बोलते हैं। इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, डोम शेप बोलते हैं। ठीक है, और आइस वाले हाउसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्लूस बोलते हैं। जो हाउस आइस से बने होते हैं उन हाउसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्लूस। आइस हाउसेस इनको हम क्या बोलते हैं, इग्लूस। ओके, पीपल हु आर लिविंग देयर दे आर नोन एज एस्किमोस। ठीक है, जो लोग वहां पे रहते हैं बेटा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्किमोस बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया हाउसेज इन कोल्ड रीजन, और कोल्ड रीजन में हमने सबसे ज्यादा कोल्ड रीजन की आज डिस्कस की।
आर्कटिक रीजन की, जहां होल ईयर द लैंड इज कवर्ड विद द स्नो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।